दोस्तों, हमारा ये सौभाग्य है कि हमें कला उत्सव 2016 में भाग लेने का ये सुअवसर प्राप्त हुआ। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल करसान चंडीगढ़ से मैं हीना और ये मेरे साथी, हम कला उत्सव में संगीत कला के अंतर्गत राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम लेकर उपस्थित हुए। लोकगीत अलग अलग बोलियों में गाया जाता है, किंतु इनकी आत्मा एक होती है। लोकगीत का चुनाव करने के पूर्व हमने कई लोकगीतों को सुना और जानकारी ली। जैसे हम अपने विद्यालय के पुस्तकालय में गए और विभिन्न लोकगीतों की किताबों को पढ़ा। विद्यालय के कंप्यूटर लैब में हमने कई वेबसाइट पर सर्च किया, लोक गायन शैलियों व लोक गीतों पर विचार किया। राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम का चुनाव किया क्योंकि इसका रसपान अपने आप में महत्वपूर्ण है। के लिए हम डॉक्टर अशोक कुमार के पास गए और उन्होंने हमें इस गीत की बारीकियों के बारे में बताया। गुरु जी, हमने कला उत्सव 2016 में भाग लिया है, तो उसमें हमने राजस्थानी लोकगीत लिया है केसरिया बालम, तो उससे संबंधित हम आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। पूछो सर, मेरा प्रश्न है कि ये जो गीत है केसरिया बालम, ये किस शैली में गाया? इसकी शैली राजस्थानी शैली है, राजस्थान का लोकगीत है, तो इसको राजस्थानी शैली ही हम कह सकते हैं। ये मांड गायन शैली क्या है? मांड गायन शैली जो है ये एक लोकगीत की शैली होती है, उसमें राजस्थानी कुछ गीत जो है वो गाए जाते हैं, उसी को हम मार शरीफ करते हैं। यह लोकगीत तैयार किया है केसरिया बालम, इसमें कौन से साज इस्तेमाल हो सकते हैं? ऐसा है, साज तो राजस्थानी जो साज हैं वो तो बहुत सारे हैं, ढोलक भी है, तबला भी है, नगाड़ा भी है, नगाड़ा भी फोक में बजाते हैं, करताल है, सारंगी भी है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आप लोगों ने जो इंस्ट्रूमेंट जो साज इस्तेमाल किए हैं वो क्या क्या है, आप लोग मुझे थोड़ा सा बताएंगे? सर मैं हारमोनियम क्या आप हारमोनियम बजाएंगे और आप ढोलक बजाएंगे? जी मैं तबला। आप तबला बजाएंगे, मुझे थोड़ा सा करके बताएंगे? खाली की जगह सम आ जाता है, आता है आप लोगों को
नहीं शायद इसका होता है करो मारे देश। जब आप अलाप लेते हो, जब अगला बोलते हो, बोल बोलते हो, उसके बाद जब सम पे आते हैं तो सम जो है वो खाली पे चला जाता है, आठवीं मात्रा पे चला जाता है, उसको थोड़ा सा ध्यान। इसके पश्चात राजस्थानी लोक गायन शैली की जानकारी लेने के लिए हम श्री अमित कुमार और श्री विनोद पवार से मिले। गुरु जी, इस मांड गायकी का कोई समय होता है? तो ये खुशी तो कभी भी हो सकती है ना। ये जो दो शैलियाँ हमारे कर्नाटक शैली संगीत होती है, दक्षिणी संगीत जो होता है, और एक होता है हमारा हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। इसमें दो राग ऐसे हैं मांड और भैरवी, इनका कोई टाइम निश्चित नहीं किया, कभी भी आप इसको गा बजा सकते हैं ना। जिसमें जैसे शाम को अभी आप तो पुरिया आप गा रहे थे, बजा रहे थे थोड़ा सा, पुरिया के बाद अगर आप मांड या देश गाओगे तो बहुत ज़्यादा खिलेगा। ये चीज़ें हैं, मांड आप कभी भी सुबह शाम कभी किसी भी टाइम आ सकते हैं, समय इस पर बंधा नहीं हुआ। बताइए कि इस गायन में आपका क्या रोल है? गुरु जी ये बता रहा है कि ये कठपुतली नाच दिखा रहा है इसमें। अरे वाह 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 वाह, केसरिया बेटा। आप सब कला उत्सव में परफॉर्म करने जा रहे हो, आपने सब ने बेस्ट परफॉर्मेंस वहां पे देनी है। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू मैम।